सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एयरटेल सिम से कॉल फॉरवर्डिंग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपका एयरटेल का नंबर है, अब आप सोच रहे हैं ये नंबर की कॉल जितनी भी आए इस नंबर पर वो मेरे अदर नंबर पर ट्रांसफर होने लगे, मतलब कॉल डाइवर्ट एक्टिवेट करना चाहते हैं अपने एयरटेल सिम पर, तो आप कैसे कर सकते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आज की इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताऊंगा। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एयरटेल सिम पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करने के लिए सिंपल से आपको अपने फोन के डायलर को ओपन कर लेना है। एंड गाइस, जैसे ही अपने फोन के डायलर को ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको इधर पर डायल करना है **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 
फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जैसे कि हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है जिस नंबर पर हम अपनी कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इसके बाद आपको हैश प्रेस कर आपको अपने एयरटेल सिम से कॉल लगा देनी है। जैसे कि हम कॉल लगा देते हैं एंड इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपका जो कोड है वो रनिंग में एंड इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग आपके नंबर की वो हो चुकी है, इधर पर सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुकी है। सो गाइस, जिस तरीके से आप बड़ी आसानी से कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एक यूएसएसडी कोड की सहायता से अपनी कॉल फॉरवर्डिंग को एयरटेल सिम पर एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप इसको डीएक्टिवेट भी करना चाहते हैं तो इधर पर आपको डायल करना है #21# और सिंपल से एयरटेल सिम से कॉल लगा देनी है और ये डीएक्टिवेट भी हो जाएगी। सो गाइस, इन दोनों ही प्रोसेस से आप कॉल को एक्टिवेट, कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट और साथ में डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। थैंक्स वॉचिंग गाइस।